YouTube पे हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोनाली सिटी चैनल गुना। मैं हूं आपके साथ कैलाश कुशवा। आज की प्रमुख खबरों पर नजर डालने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक हुई आज। सांसद लोकसभा क्षेत्र गुना डॉक्टर केपी यादव की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक आज 27 जून को दोपहर 1 बजे कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित की गयी। मकसूदनगढ़ में शुरुआत से ही तेज बारिश होने लगी है और एक साल के बाद भी चंदेरी नदी के पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है और न ही मकसूदनगढ़ जंजाली के बीच की जो पुलिया पिछले साल बारिश के तेज बहाव में क्षतिग्रस्त हो गई थी, उन पुलियों का आज तक प्रशासन द्वारा मरम्मत नहीं कराई गई है। सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पुरानी गल्ला मंडी में सुरेंद्र सिंह रघुवंशी ग्राम सेजी साड़ोरा की मोटरसाइकिल से अज्ञात आरोपियों ने 1,35,000 रुपए से भरा बैग उठा लिया। मिली जानकारी अनुसार तेलघानी से एक आरोपी फरियादी की मोटरसाइकिल के साथ लगे और मंडी के अंदर जाकर जैसे ही फरियादी अपने ट्रैक्टर पर तिरपाल चढ़ाने लगा, उसी दौरान उसकी मोटरसाइकिल की डिग्गी से रुपए उड़ा दिए। वारदात में एक छोटी बच्ची और दो पुरुषों का हाथ होने का शक बताया जा रहा है। इस मामले में सिटी कोतवाली थाने में मामला पंजीबद्ध किया गया है। विगत दिनों कुमराद में कुएं में एक युवती की लाश मिलने से कुमराद में सनसनी फैल गई थी, जिसकी मौत की जांच जल्द से जल्द हो इसको लेकर ज्ञापन भी सौंपे गए थे। इस मामले में आज पीएम रिपोर्ट आ चुकी है। कुमराद थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि खुशबू की मौत रिपोर्ट के आधार पर पानी में डूबने से हुई है। चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा, कुछ दिन पूर्व जुआ खेलते पकड़े कांग्रेसी एवं बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हो निष्पक्ष जांच। कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत विवेक पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बनाते बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों के कब्जे से 2 12 बोर बंदूकें, 5 जिंदा कारतूस व अन्य हथियार हुए बरामद। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर इशारे ही इशारे में विधायक लक्ष्मण सिंह ने कसा तंज। बारिश होने के बाद नालियां चौक हो जाने के कारण जिला अस्पताल में भरा बरसात का पानी, जिला अस्पताल में भर्ती मरीज हुए परेशान। पहले ही तेज बारिश ने शहर की बारिश की पूर्व की तैयारियों की पोल खोल कर रख दी। भूमिहीन शहरिया आदिवासी भीलों की लड़ाई मैंने और महाराज ने लड़ी थी, श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का बयान। विदिशा विधायक शशांक भार्गव द्वारा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर की गई अभद्र टिप्पणी पर चाचौड़ा की पूर्व विधायक ममता मीना ने वीडियो जारी कर की घोर निंदा। शहर के दशहरा मैदान में थोक सब्जी मंडी को शिफ्ट करने के बाद पहली बरसात में सब्जी मंडी का हाल बुरा हो गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से जगह जगह कीचड़ सना हुआ है, इस कीचड़ में निकलना दुश्वर हो गया है। कीचड़ की वजह से ग्राहकों को मंडी में पहुंचने में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पैदल तो जा आ नहीं सकते और वाहनों को भी निकलने में काफी दिक्कत हो रही है, लेकिन इस ओर जिम्मेदार अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है। विकास नगर सिद्धि माता मंदिर के पास लगे खम्भे में बारिश के कारण करंट आ जाने से खम्भे में स्पार्किंग हो रही है। खम्भा गर्म हो जाने के कारण नीचे जमीन से धुआं निकल रहा है, जिससे कोई दुर्घटना घटित हो सकती है।
संचालक लोक अभियोजन भोपाल के आदेश से वन विभाग व वन्य प्राणी के प्रकरणों में जिला गुना में श्रीमती सविता बजाज अभियोजन अधिकारी को न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने हेतु अधिकृत किया गया है। अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 25 जून 2020 में गुना जिले में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत श्रम नियोजन में लापरवाही बरत रहे ग्राम पंचायत प्रधान सचिव ग्राम रोजगार सहायक उपयंत्री तथा अन्य संबंधित अमले पर कार्रवाई करने के दिए निर्देश। कलेक्टर एस श्रीनाथन ने इसे गंभीरता से लेते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गुना को श्रम नियोजन में लापरवाही बरतने वाली ग्राम पंचायतों उपयंत्री सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारी एवं कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। गुना भार्गव कॉलोनी का सड़क का हाल ये है कि पूरी सड़क की गिट्टी निकल चुकी है। पिछले एक साल से सबसे ज्यादा ट्रैफिक चलने वाली रोड की हालत ये है, फिर भी नगर पालिका प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। जबकि पूर्व पार्षद अरुण चतुर्वेदी और पूर्व पार्षद प्रदीप भार्गव के बिल्कुल पास की ये रोड का नजारा है, राहगीर हो रहे हैं परेशान। आज आगर से जाते हुए राधुगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने उदनखेड़ी के लोगों से की मुलाकात, किए विचार विमर्श। बारिश का मौसम शुरू होने से ही अंडर ब्रिज की समस्या लोगों को परेशान कर देती है। अंडर ब्रिज में पानी भर जाने के कारण लोग अक्सर परेशान होते हैं। आवागमन में लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है, कई बार लोग दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाते हैं। शहर के कई ऐसे अंडर ब्रिज हैं जिनमें पानी भर जाने के कारण लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है।